स्टोरी बोधी प्रस्तुत करते हैं गणेश चतुर्थी। शिव्स अपने माता पिता और बहन के साथ एक बहुमंजिला इमारत में रहता है। अगस्त माह का तीसरा हफ्ता है और उस इमारत के रहवासी संघ के कार्यकर्ता गणेश चतुर्थी की तैयारी में व्यस्त है। शिव्स के पिताजी भी रहवासी संघ के सदस्य है। माँ पिताजी अभी कहाँ जा रहे हैं? रात के 9 बज रहे हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ खेलेंगे। शिव्स, तुम्हारे पिताजी को रहवासी संघ की मंत्रणा में जाना है। गणेश चतुर्थी आ रही है, यहाँ सभी लोग पूरे 11 दिन उत्साह मनाएंगे। गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति की स्थापना पार्किंग क्षेत्र में की जाएगी। माँ, लेकिन सभी लोग गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? शिव्स, रहवासी संघ ने हमारी इमारत के बाहर एक विशेष पार्किंग क्षेत्र बनाया है अगले 10 दिनों के लिए। हम गणेश जी की स्थापना 10 दिनों के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि हम सब गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। हम लोग गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? किसी भी नए कार्य की शुरुआत में हम वैसे भी गणेश जी की पूजा तो करते ही हैं, जैसे पिताजी के नए ऑफिस की शुरुआत के पहले हमने की थी। फिर इस त्योहार में ऐसा क्या खास है? बहुत खूब शिव्स, तुम्हें याद है कि हम हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ कि क्यों हम गणेश जी की पूजा करते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। शिव्स अपनी छोटी बहन शुभि को भी बुला लेता है। वे सभी सोफे पर बैठते हैं और माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। भगवान गणेश के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। वे भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र है। एक बार शिव जी किसी कार्यवश बहुत दिनों तक घर से बाहर गए हुए थे। माता पार्वती अकेली थी। नहाने के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसे जीवित किया। उन्होंने गणेश को सख्त हिदायत दी कि वे द्वार पर पहरेदारी करें और किसी को भी अंदर न आने दें। तभी भगवान शिव वहां आते हैं। वे नहीं जानते कि गणेश जी कौन है। जब वो अंदर माता पार्वती से मिलने जाने की कोशिश करते हैं, तब गणेश जी उनका रास्ता रोकते हैं। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव जी उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। देवी पार्वती जब बाहर आती है, तब गणेश की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी होती है और भगवान शिव जी पर नाराज भी होती है। लेकिन पूरी वास्तविकता पता पड़ने पर भगवान शिव जी माता पार्वती से वादा करते हैं कि वे उनके पुत्र को फिर से जीवित करेंगे। बहुत खोजने के बाद भी उन्हें किसी भी इंसान का सर नहीं मिलता। अनेक प्रयत्नों के बाद भी सभी देवताओं और भगवान शिव जी को हाथी का सिर मिला, क्योंकि भगवान शिव जी ने माता पार्वती को वचन दिया था कि वे उनके पुत्र गणेश को फिर से जीवित करेंगे। इसलिए उन्होंने हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। तभी वहाँ शिव्स के पिताजी आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक क्यों जाग रहे हो? माँ हमें गणेश जी की कहानी सुना रही थी। हाँ, इस साल गणेश चतुर्थी 25 अगस्त को है। बच्चों, हम हर दिन पूजा और प्रसाद विकृत करके यह त्योहार मनाएंगे। ओहो, और हाँ, एक आखिरी बात इस कहानी में, भगवान गणेश हमारी जिंदगी से परेशानियों और बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो भगवान गणेश को जरूर याद करना। वो तुम्हें कठिन परिस्थिति से बाहर जरूर निकालेंगे। मैं जरूर गणेश जी की प्रार्थना करूंगी जब शिव्स भैया मुझे परेशान करेंगे या मेरी परीक्षा होगी। पूरा परिवार जोर से हंसने लगता है और सभी अपने अपने कमरों की ओर सोने के लिए जाते हैं।